नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम, उसके लिए आपके एग्जाम में आने वाले एक नंबर को फिक्स करने के लिए यहां पे हेल्पलाइन से मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पुलिस आपातकालीन सेवा। अगर पुलिस आपातकालीन सेवा की मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 112 आपका पुलिस आपातकालीन सेवा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अग्निशमन सेवा की मैं बात करता हूं, अग्निशमन सेवा जो होता है आपका, दूसरे का सी हो जाएगा 101। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपका होगा एंबुलेंस सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो एंबुलेंस सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर आपका जो है वो है आपका 108, यानी तीसरे का आपका ए हो जाएगा। चौथे के क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन काफी बार पूछा गया है, तो 1090 आपका चौथे का ए हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन के बारे में चलूं मैं तो नागरिकों के लिए जो कॉल सेंटर हेल्पलाइन है वो क्या है आपका, तो पांचवें का आंसर आपका 155-300 जो है वो नागरिकों के लिए हेल्पलाइन है। अभी आपका ये क्वेश्चन बाल हेल्पलाइन का हेल्पलाइन नंबर क्या है, अगर छठे क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो 1098 इसका आंसर होगा, 1098 किसके लिए है, बाल हेल्पलाइन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का, यानी मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए आपको 1076 पे हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ेगा। आगे वाले क्वेश्चन में चले तो यूपी महिला आयोग के लिए हेल्पलाइन क्या है आपका, तो 1800-180-52-20 जो है आपका, यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 में बात करूं तो बाइक दुर्घटना के लिए क्या होता है, तो बाइक दुर्घटना के लिए आपके 1071 आपका हेल्पलाइन नंबर है। रेल दुर्घटना अगर होती है तो रेल दुर्घटना के लिए क्या हो जाएगा आपका, 1072 आपका रेल दुर्घटना के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सड़क दुर्घटना की मैं बात करूं तो सड़क दुर्घटना के लिए आपका 1073, यानी आपका 11 का सी आंसर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं आपके किसके लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सड़क दुर्घटना होती है उसके लिए क्या आपका हेल्पलाइन नंबर होगा, तो उसके लिए आपका हेल्पलाइन नंबर 1033 हो जाएगा, आपका 12 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, अगर 13 क्वेश्चन की बात करूं मैं तो 13 नंबर में आपका 1915 आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं साइबर क्राइम के लिए, यह पूछा गया क्वेश्चन है, और साइबर क्राइम के लिए आपका 1930-14 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बाल संरक्षण के लिए हेल्पलाइन, बाल संरक्षण के लिए हेल्पलाइन आपका 1098 है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, एलपीजी अगर लीक करता है तो एलपीजी लीक करने के लिए क्या आपका हेल्पलाइन नंबर होगा, तो 16 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो 16 का आपका आंसर बी हो जाएगा, 1073। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके आपातकालीन अगर चिकित्सा सेवा करनी है तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए आपका नंबर है जो आपका 102 है, एम्बुलेंस सेवा आपका 108 है, ध्यान रखिएगा 102 और 108 में कंफ्यूज नहीं होना है। यातायात पुलिस की अगर मैं बात करूं तो यातायात पुलिस के लिए जो आंसर होगा आपका वो 103 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करी जाए आपके एम्बुलेंस सेवा, अभी मैंने बताया 108, आंसर आपका 19 का बी। चलते हैं बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपदा पुलिस हेल्पलाइन का नंबर जो होगा वो आपदा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर के लिए अगर मैं बात करूं 20 नंबर क्वेश्चन में तो ये आपका 108 हो जाएगा। आपदा के समय रेलवे पूछताछ के लिए क्या करते हैं आप, 139 पे आप 139 हेल्पलाइन नंबर है इनका। रेलवे यात्रा अगर हेल्पलाइन लेनी है आपको, यानी 22 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसके लिए आपका 138 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं, ध्यान रखेंगे रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए, तो रेलवे महिला हेल्पलाइन के लिए 182 है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार, क्वेश्चन नंबर आपके 24 की बात करूं मैं, 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर अगर 24 की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 24 भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जो है आपका वो आपका बी हो जाएगा, 1031, ठीक है। आगे की बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी 25 नंबर का क्वेश्चन, एंटी करप्शन ब्यूरो 1064 है आपका बी आंसर, ठीक है। आगे की बात करते हैं घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के लिए आपका 181 है, ध्यान रखेंगे बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे की बात करता हूं मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए, तो 144-33 हेल्पलाइन नंबर है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, मौसम विज्ञान का जो हेल्पलाइन नंबर है वो मौसम विभाग का है आपका 1717। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, भूकंप का हेल्पलाइन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 29 भूकंप का हेल्पलाइन नंबर आपका 1092 है, ठीक है। आगे की बात करते हैं ब्लड बैंक के लिए आपका हेल्पलाइन नंबर कौन सा होगा, तो ब्लड बैंक के लिए आपका 1910 हेल्पलाइन नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, एड्स के लिए हेल्पलाइन नंबर 31 क्वेश्चन, एड्स के लिए जो हेल्पलाइन नंबर होगा आपका वो आपका 1910 हो जाएगा, आंसर आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 31 नंबर में बी हो जाएगा, सो सॉरी आंसर आपका 31 नंबर में जो होगा वो 1097 होगा, 1910 नहीं होगा। आगे बात करते हैं आपके कोविड 19 के लिए अगर हेल्पलाइन नंबर आपको ढूंढना था तो इसके लिए आपका 1075 ठीक है। आगे की बात करते हैं आपके किसान कॉल सेंटर 1551 किसान कॉल सेंटर, 6000 रुपए मिलते हैं ना 2000 के शिफ्ट के। बात करते हैं आपदा प्रबंधन के लिए 34 नंबर के क्वेश्चन में आपदा प्रबंधन जो है वो 1070 है ठीक है। आगे बात करी जाए आधार हेल्पलाइन नंबर, आधार हेल्पलाइन नंबर भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो 1947 आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे की बात करूं मैं तो मतदाता सहायता केंद्र के लिए अगर मतदाता सहायता हेल्पलाइन लेना है आपको तो 36 नंबर में जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1880 180 1950, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे की मैं बात करूं अगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर तो वो आपका हो जाएगा कौन सा बी आंसर 1091 या फिर 1291 का हम हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं। वन सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर यानी 38 नंबर के क्वेश्चन में वन सेवा का हेल्पलाइन नंबर आपका 1926 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कौन सा हो जाएगा आपका ग्राम बिजली हेल्पलाइन के लिए, मतलब गांव में बिजली अगर कटे तो उसके लिए आप शिकायत किस पे दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या आंसर होगा तो 1911 आपका आंसर हो जाएगा। टेलीफोन शिकायत अगर बुकिंग हेल्पलाइन करनी है आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 198। आगे की बात करूं मैं 42 नंबर के क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट्स हेल्पलाइन आपके 41 नंबर के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हेल्पलाइन करनी है तो 1291 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं 42 नंबर में तो 178 हेल्पलाइन जो नंबर है वो वीआईपी शिकायतों का समाधान करने के लिए है। उसके बाद अगर बात करी जाए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो 43 नंबर में जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 155 233 ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिल्ली मेट्रो रेल में अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका 155 370। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में अगर 45 नंबर में आपका आंसर करना है तो वो आपका बी हो जाएगा 155 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 है कि एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के लिए शिकायत क्या होनी चाहिए, यानी 46 नंबर में आपका जो होगा 155 222 आपका आंसर हो जाएगा। 47 क्या कहेंगे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो क्या करेंगे आप इसके लिए 237 11 551 पे फोन करेंगे, समझ में आया। अब बात करेंगे बीमा विनियामक यानी आईआरडीए, आईआरडीए में अगर आपको शिकायत करनी है 48 नंबर में तो इसमें हो जाएगा आपका 155 255, समझ में आया। 49 क्वेश्चन जल आपूर्ति और सीवेज, अगर मान लीजिए कहीं पे सीवेज से संबंधित या जल आपूर्ति से संबंधित अगर चीजें आपको शिकायत करनी है तो उसके लिए जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका 1916 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि डाक विभाग में अगर आपको कंप्यूटराइज्ड अगर केंद्रीय ग्राहक सेवा में शिकायत करने की बात करनी है तो इसके लिए आपका आंसर 1914 हो जाएगा। इसी तरीके के और वीडियोस को रैपिड फायर राउंड में देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।